असल अबी आज की हमारी स्टार डिश है चिकन पॉप्स इस यमी डिश के लिए गारंटीड सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी आपके घर में अवेलेबल होंगे सो बिगिन यू विल बी नीडिंग वन कप ऑफ वाटर वन कप वाइट फ्लावर मैदा एक कप बॉयल और श्रेडेड चिकन एक कप बॉयल मैश्ड पोटेटोज रफली मैश्ड टू एग्स वन टेबल स्पून ऑयल वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून ब्लैक पेपर एंड वन फोर्थ टी स्पून गार्लिक पाउडर अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं दैट इज नॉट एट ऑल एन इश्यू एक कप पानी जब उबलना शुरू हो जाए तो उसके अंदर एक टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दें देन उसमें गार्लिक पाउडर अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें जब तक कि गार्लिक पाउडर डिजोल्व ना हो जाए कंप्लीटली देन जस्ट टर्न ऑफ द स्टोव अब इसके अंदर एक कप मैदा शामिल कर दें जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये काफी लंपी सा मिक्सचर बन जाएगा जैसे ड्राई हलवा होता है इसकी उस तरह की लोक निकलाएगी इसको रफली मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर दें दो अंडे बीट करके और इसको दोबारा मिक्स करना शुरू कर दें एग्स को मैदे के मिक्सचर के साथ आपको ब्लेंड करने में थोड़ी एफर्ट लगेगी ये मिक्सचर स्मूथ नहीं बनेगा ये स्टिकी सा मिक्सचर बनेगा सो जितना आप आराम से मिक्स कर सकते हैं उतना आराम से उसको मिक्स कर लें फिर उसके अंदर शामिल कर लें वन टी सॉल्ट और वन टी ब्लैक पेपर एंड मिक्स अगैन अब बॉयल्ड वन कप और वन कप बॉयल्ड इन श्रेडेड चिकन इसमें शामिल कर दें और दोबारा अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना शुरू कर दें यहाँ पर भी मिक्स करने में आपको थोड़ी एफर्ट लगेगी यहाँ पर मेरा सिलिकॉन स्पून थोड़ा बेंड हो रहा था तो फिर मैंने वुडन स्पून के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया अब आप देख सकते हैं कि आपका मिक्सचर तैयार है यह बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है राधा टिकी है ऐसा ही होना चाहिए मिक्सचर को एक बोल में निकाल लें और उसको कम्प्लीटली कूल डाउन होने दें अपने हाथों को ऑयल कर लें और मिक्सचर के एक से दो इंच के साइज़ के बॉल्स बनाना स्टार्ट कर दें मिक्सचर को कूल cool डाउन करना ज़रूरी है बिकॉज अगर आपने गर्म बॉल्स बना के उसको फ्राई करने की कोशिश की तो चिकन पॉप्स आपके स्प्लिट कर जाएंगे खुल जाएंगे ऑयल के अंदर इस मिक्सचर से आराम से आपके 24 फोर बॉल्स तैयार हो जाएंगे ये एक हिट रेसिपी है मेरे घर बच्चों के स्कूल में वनडिश पार्टी होती है या घर में कोई इवेंट होता है बर्थडे का या कोई भी पार्टी या टी टाइम स्नैक आई ऑलवेज मेक दिज इन फैक्ट मेरे हाउस मेट्स की पहले ही सजेशन आ जाती है कि चिकन पॉप जरूर बनाने। और इनकी बेस्ट बात यह है कि दीज आर वेरी इकोनॉमिकल अच्छा जी अब ऑयल को मीडियम हीट पर तैयार कर लें और चिकन पॉप्स को उसमें डालना शुरू कर दें एंड मेक श्योर कि आपका ऑयल हॉट हो वार्म ना हो बिकॉज अगर आपने ठंडे या वॉम ऑयल में डाला तो आलू की वजह से चिकन पॉप्स खुल जाएंगे अगर आपको हाथ से डालने से डर लगता है तो आप इस तरह से फ्राइंग स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं उनको ऐड करने के लिए चिकन पॉप्स को इनिशियली डालकर आपने वन टू तो टू तो मिनट्स बिल्कुल टच नहीं करना ताकि वो फर्म अप हो जाए उसके बाद फिर आप उसको मिक्स करें और रोटेट करें ताकि वो हर एंगल से अच्छे तरीके से इक्वली गोल्डन हो जाए सेकेंडली अगर आपका फ्राइंग वाला बर्तन छोटे साइज का है तो प्लीज उसके अंदर चिकन पॉप्स को स्टफ ना करें आप देख सकते हैं कि मेरे भी यहाँ पर दो शिफ्ट में इनको फ्राई कर रही हूँ जब ओवर स्टफिंग हो पैन के अंदर तो भी चिकन पॉप्स से खोलने का डर होता है डो ट्राई आउट दिस रेसिपी बिकॉज जिस जिसने ये रेसिपी आज तक खाई है वो कहने पर मजबूर हो गया है कमाल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं या आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं और इसकी फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज उसको कॉमेंट्स में शेयर करें थैंक यू